देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। मुंबई में 24 घंटे में 3671 केस। कोलकाता में कोरोना का खौफ 24 घंटे में सामने आए करीब 1100 नए मरीज। पश्चिम बंगाल में एक दिन में दोगुने हुए कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में सामने आए 2128 नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1313 नए मामले। 1.73 हुई पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, नए वेरिएंट के हैं कोरोना के 46% मामले। ये जरूरत है, ये ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह। 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली में पाबंदियों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। संगम विहार इलाके में बस में जगह नहीं मिलने की वजह से सड़क जाम और तोड़फोड़। दिल्ली के महरौली इलाके में भी बस नहीं मिलने से नाराज लोगों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। दिल्ली मेट्रो में एंट्री के लिए दिखी लंबी कतार। पाबंदियों से नाराज दिखे दफ्तर जाने वाले लोग। कोरोना के दस्तक के बीच नए साल के जश्न के लिए शिमला में उमड़ी सैलानियों की भीड़। प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। गुजरात में वलसाड़ के कॉलेज में फ्रेशर पार्टी। हजारों की संख्या में दिखी भीड़। कोरोना गाइडलाइन की परवाह नहीं। देश भर में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13100 से ज्यादा मरीज। एक दिन में 268 लोगों की मौत। अचानक कोरोना के केसों में बढ़ोतरी ने बढ़ाई केंद्र की चिंता। दिल्ली महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को एक्शन लेने के लिए लिखी चिट्ठी। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले पर नहीं लगेगी पाबंदी। सीएम ममता बनर्जी बोली, नए साल का जश्न भी रहेगा जारी। वाराणसी में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में टूटी कोरोना नियमों की धज्जियां। न मास्क दिखा न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यूपी में चुनाव आयोग की 3 दिन तक चली बैठक खत्म। कहा, सभी दल चाहते हैं समय पर हो चुनाव। यूपी में विधानसभा चुनाव का प्लान तैयार। 5 जनवरी के बाद हो सकता है तारीखों का ऐलान। यूपी में 1 घंटे बढ़ाया जाएगा मतदान का समय। 11,000 बढ़ी मतदान केंद्रों की संख्या। चुनाव कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। मुरादाबाद और उन्नाव समेत कई जगहों पर गृहमंत्री अमित शाह की रैली। अलीगढ़ में अमित शाह की रैली से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बवाल। कोरोना के वक्त रैली को लेकर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री योगी ने महाराजगंज के दौरे में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला। उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे गरीब का पैसा हड़प जाते थे और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है। गोरखपुर में भी सीएम योगी का चुनावी कार्यक्रम। वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। 17,500 करोड़ की सौगात दी। हल्द्वानी में पीएम ने विपक्ष पर उत्तराखंड को लूटने का आरोप लगाया। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की। इन लोगों ने दोनों हाथों से उत्तराखंड को लूटा। जिन्हें उत्तराखंड से प्यार हो वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। मणिपुर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। युवा रैली को संबोधित किया। चंडीगढ़ नगर निगम में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने निकाली विक्ट्री मार्च। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी 14 पार्षदों को लोगों के सामने शपथ दिलाई। पार्टी से गद्दारी नहीं करने की कसम खिलाई। पंजाब के अमृतसर में फाड़े गए अकाली दल और आम आदमी पार्टी के होर्डिंग। पुलिस में शिकायत। बापू का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबोचा। खजुराहो में बागेश्वर धाम के एक लॉज में ठहरे थे कालीचरण महाराज। सुबह 4 बजे हुई गिरफ्तारी। कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर लौटी छत्तीसगढ़ पुलिस। कोर्ट में पेशी हुई। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के बाद सुलगी सियासत। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर लगाया प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप। आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं, ये संघीय मर्यादा का भी उल्लंघन है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले बता देते। पहले भी बता सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। मध्य प्रदेश सरकार के आरोप पर छत्तीसगढ़ सरकार का पलटवार। सीएम ने पूछा, बापू को गाली देने वाली की गिरफ्तारी से बीजेपी खुश है या दुखी।
पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश है या नाराज है। नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ बीजेपी आग बबूला, विधायक और पूर्व मंत्री ने चलाई रिहाई की मुहिम। जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ आप सामान्य कार्रवाई करते हो, तो व्यक्ति के खिलाफ बोलने में कैसे राजद्रोह होगा। बजट की तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय, राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। दिल्ली में कपड़ा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, बलात्कार के बढ़ते मामलों को लेकर हंगामा। दिल्ली में 14वें दिन भी जारी है रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, अस्पतालों में बेहाल है मरीज। माउंट आबू में शरद उत्सव का जमा रंग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कुमार विश्वास समेत कई कवियों ने बांधा समा, 3 दिनों तक चलने वाले शरद महोत्सव में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कुलगाम और अनंतनाग में मारे गए जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में 3 आतंकियों को ढेर किया, अनंतनाग में भी 3 दहशतगर्दों का सफाया। मारे गए 6 आतंकियों में पाकिस्तान का था 2 दहशतगर्द, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। इस महीने जम्मू कश्मीर में मारे गए 24 आतंकी, पुलिस का दावा पहली बार 200 के नीचे पहुंची एक्टिव आतंकियों की संख्या। दो पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए हैं और 4 लोकल टूरिस्ट मारे गए जैश मोहम्मद के, टोटल 6 टूरिस्ट मारे गए हैं और 2 M4 राइफल और 4 AK-47 मिला है। यह 74 पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अररिया में खाद को लेकर जबरदस्त बवाल, सड़क जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोहरे के चलते पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 5 की मौत। झारखंड के रामगढ़ में बैंक से 9.5 लाख सिक्के गायब, 4 दिन बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। प्रयागराज में घर में हुई 19 साल की लड़की की हत्या, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 113 रनों से हराकर जीता पहला टेस्ट, पहली बार इस मैदान पर टीम इंडिया को मिली है जीत। दूसरी पारी में 191 रन पर ही सिमटी दक्षिण अफ्रीका की टीम, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। भारत के केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में खेली थी 123 रनों की शतकीय इनिंग। भारत की ओर से मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी, पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में झटके 3 विकेट। दूसरी पारी में बुमराह का भी कमाल, 3 दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज के खाते में 2 विकेट, ऑफ स्पिनर अश्विन ने भी 2 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर की बेकार गई पारी, 77 रन बनाए 5 बल्लेबाजों का स्कोर दहाई से भी नीचे। दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद भारत के खाते में जोड़े गए 12 टेस्ट पॉइंट, मेजबान को नहीं मिला कोई अंक। 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग में शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच, 11 जनवरी से सीरीज का अंतिम मुकाबला केपटाउन में। सिडनी में खेले जाने वाले एटीपी कप से जोकोविच ने नाम लिया वापस, ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने को लेकर सस्पेंस बरकरार। भारत की शर्वरी इनामदार का पावर लिफ्टिंग में कमाल, टर्की में एशियन क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीते 5 गोल्ड मेडल। 57 किलो ओपन महिला वर्ग में शर्वरी इनामदार पर बरसा सोना के स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में गोल्ड। एक बार फिर से शीतलहर की गिरफ्त में है दिल्ली, 3.4 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का स्वागत करेगी दिल्ली, मौसम विभाग के अनुसार 3 जनवरी तक जारी रहेगी शीतलहरी। पूर्वी यूपी में कड़ाके की ठंड, वाराणसी और आसपास के इलाकों में सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरे का कोहराम, सुबह के 10 बजे तक 50 मीटर से भी कम होती है विजिबिलिटी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड, लोगों को अलाव का सहारा। उत्तरकाशी की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त ठंड, रात 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक सैलानियों की आवाजाही पर रोक। अरुणाचल के तवांग में बर्फबारी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, 0 से 20 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। 12 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 57,794 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 10 अंक गंवाकर 17,203 पर बंद। आज तक के सालाना सबसे तेज अवार्ड्स में नरेंद्र मोदी बने सबसे तेज नेता, ममता केजरीवाल और चन्नी को पछाड़ा। आज तक के सबसे तेज अवार्ड्स का ऐलान, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी बने सबसे तेज क्रिकेटर। सबसे तेज अवार्ड्स में नीरज चोपड़ा बने सबसे तेज खिलाड़ी,
ओलंपिक में जीता था गोल्ड। सबसे तेज अवार्ड्स में अक्षय कुमार बने सबसे तेज हीरो, रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना से मारी बाजी। आज तक के सबसे तेज अवार्ड्स में कियारा आडवाणी बनी सबसे तेज हीरोइन, कैटरीना, सारा और कृति सैनन को पीछे छोड़ा। महंगाई के ग्रामीण इलाकों में घटने लगी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड, जुलाई सितंबर में 9.5% बढ़ने के बाद 3% गिरावट। 2021-22 में फिर से निवेश का टारगेट मिस कर सकती है सरकार, बीपीसीएल की बिक्री पर छाई दुविधा के चलते 2.25 लाख करोड़ का लक्ष्य मुश्किल। जल्द ही ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करेगी सरकार, नई ई कॉमर्स नियमों में ग्राहकों के हितों को सुरक्षित बनाने पर रहेगा फोकस। 2020-21 के लिए अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न हो चुके हैं दाखिल, 31 दिसंबर है अंतिम तारीख। बजाज ऑटो ने 300 करोड़ के निवेश से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए पुणे में शुरू किया प्लांट, हर साल 5 लाख ई व्हीकल्स का होगा निर्माण। छिंदवाड़ा में सरकार के विरोध में पुतला दहन पर बड़ी बात, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट और पत्थरबाजी। गोवा में नए साल के जश्न के लिए जोरदार तैयारियां, टूरिस्ट जगहों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। दुनिया भर में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए करीब 16 लाख केस। कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी, कहा डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर दुनिया में ला रहे हैं खतरनाक सुनामी। फ्रांस में लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 24 घंटे में दर्ज किए गए 2,08,000 मामले। यूरोप में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम, स्पेन में एक दिन में संक्रमित हुए 1 लाख से अधिक लोग, ब्रिटेन, डेनमार्क और पुर्तगाल में भी कोरोना विस्फोट। अमेरिका में कोरोना वायरस से तबाही का नया रिकॉर्ड, महज एक दिन में संक्रमित हुए 4,41,000, न्यूयॉर्क में 67,000 नए केस। रूस में जारी है कोरोना से मौत का सिलसिला, एक दिन में गई 932 लोगों की जान, 21,000 से ज्यादा संक्रमित। ग्रीस में ओमिक्रॉन वेरिएंट से दहशत, राजधानी एथेंस में कोरोना टेस्ट के लिए उमड़ी भारी भीड़। सऊदी अरब में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से किया गया अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्णय।